नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये पाम है 39 इयर्स मैन का जो जॉब करते हैं। तो इनका पाम आते ही मेरा उन्होंने जब अपना एज कहा तो मैंने पहली का मतलब मेरा पहला जो उनको सवाल था कि फिनांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी अभी चल रही है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ एब्सोल्युटली फिनांस से रिलेटेड जुड़ी ही प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरा था कि आप एक काम काज बहुत दिनों तक नहीं करते हैं, मतलब एक जॉब आप बहुत दिनों तक नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही हाँ था, और उस क्या था क्यों था एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पाम के एनालिसिस करेंगे, आगे चल के ज़िंदगी में कैसे रहेगा उस सब हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम लोग ये इनका एज कैलकुलेशन करें तो करीब करीब हम लोग जहाँ पे देख रहे हैं, देखिए फेथलाइन अगर बचपन से देखे हम लोग ठीक ठाक से चल रही है, एकदम बचपन में मोटा था, उसके बाद ठीक ठाक चल के करीब करीब 35-36 तक ठीक ठाक तब भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद फेथलाइन बिल्कुल ही हल्का हो गया है और ये करीब करीब 40 तक चल रही है। तो करीब करीब लास्ट 4-5 साल तक इनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब गुजरी है। इनके पास इनको बैंक से लोन लिया है, लोन को रीपे कर नहीं पा रहे हैं। ये जॉब करते थे, ये बिज़नेस भी नहीं था, लेकिन इन्होंने एक बिज़नेस का ट्राई किया, उसमें इन्होंने लोन लिया दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करके वो पैसे दिए, लेकिन वहाँ पे इनके नुकसान हो गया और ये अभी इनकी बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। आधे पैसे की सैलरी करते, मतलब जो सैलरी इनकी मिलती थी जैसे इनका इनकम पहले था उससे आधा इनका इनकम है, ऊपर में बैंक का लोन है। तो इनका ये जो सवाल है कि इस बदतर हालत से ये कब और कैसे कितनी जल्दी ये उभर पाते हैं। तो चलिए इस पाम का एनालिसिस एक बार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पाम रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायरिश भी है। तो रेक्टेंगुलर जैसे दिख रही है, स्क्वायर भी इसी तरह का दिख रही है, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर थोड़ी सी स्क्वायरिश टाइप। ऐसे पाम वाले फिजिकल मेहनत भी कर पाते हैं और बैठे बैठे काम भी कर पाते हैं, लेकिन इनको क्या करना है, इनको क्या हम लोगों को देखना है, ऐसे अगर पाम हो जो रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसका देखिए क्या किस साइड में इनकी पाम में ज़्यादा जगह मतलब पावर है, ऊपर का माउंट को ज़्यादा पावर है या नीचे के माउंट में ज़्यादा पावर है। अगर ऊपर का माउंट को अगर ज़्यादा पावर हो और पाम एकदम ऐसे शेप में हो, कुछ ऐसे शेप में हो, ऊपर में ज़्यादा जगह और नीचे कम, तो ऐसे लोगों को बोलिएगा कि आप बैठे बैठे ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर का माउंट का ज़्यादा जगह मिली है तो आप बैठे काम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे मार्स से लेके मार्स, वेनस, मून, ये सारे माउंट आपको ज़्यादा जगह मिले जैसे इस पाम में मिले हैं, तो इनको एडवाइस ज़रूर कीजिएगा आप बैठे बैठ के काम ज़्यादा मत कीजिए, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अभी इनकी करियर का मेन प्रॉब्लम यही है, ये अभी जो काम करते हैं वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, इनका जो पहले का बिज़नेस था वो भी उसी का था, तो इनका इसी से जुड़ा हुआ काम ये पहले भी करते थे, लेकिन किसी भी कंपनी में 2-3 साल से ज़्यादा। मैंने इनके पूछा कि मैक्सिमम कितने दिनों तक एक कंपनी में काम कर चुके होंगे मैक्सिमम, उन्होंने कहा 2.5 साल के करीब। तो ऐसा होगा क्योंकि इनका माइंड लाइन छोटा है, हम लोग बाद में निकालेंगे। तो लेकिन ये काम उसी तरह का करते रहे, लेकिन एक कंपनी में कभी भी 2.5 साल के ज़्यादा नहीं रहे, उसी का बिज़नेस भी किया वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं गया, अभी उसी काम को ये कर रहे हैं लेकिन सैलरी इनको आधी मिल रही है। तो इनको जैसे काम ढूंढना है जिसमें इनकी फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा रहे, तो इनको मेरा पहला एडवाइस यही था कि आप ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिसमें आपकी फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा लगे, ना ही बैठे बैठे काम आपके लिए है। अभी इस पाम को देखें तो इनकी छोटी फिंगर क्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है, और ये अपने काम में माहिर भी है। मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा, इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा बातें हुई, ये वीडियो भी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के दे देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी और आप उसे रख भी पाएंगे। तो ये और मेरे दर्शकगण जो है उनको भी ज़रूरत होती है। तो इनकी ये छोटी फिंगर क्रॉक होने के कारण ये अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ,
मुझे बहुत कुछ आता है इस काम में। तो इस ये जो क्रॉक होती है, ऐसे किसी भी को देखिए, किसी के फिंगर अगर क्रॉक हो जाए तो अपने प्रोफेशन में माहिर ज़रूर होते हैं, एक्सपर्ट जिसे कहते हैं। तो ये भी अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर ये क्रॉक हो तो ये अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होंगे ही। वो चाहे चोर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, छोटी फिंगर क्रॉक होना अपने प्रोफेशन में मास्टर होते हैं। तो उस तरह से ये भी है, और बाकी सारे फिंगर का लेंथ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। जो थंब है वो थोड़ी छोटी है, थंब इतना ज़्यादा पावरफुल और लंबी नहीं है, थंब थोड़ी छोटी है। विल और लॉजिक दोनों का ही बराबर का हिस्सा है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी रहेगी। इसके वजह से मैंने कहा, और मेरा जो आइडिया ये है कि आप ऐसे काम में मत कीजिए जहाँ पर आपको एक टीम लीड करना पड़े। ऐसा बिजनेस करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको अकेले ही आप सब कुछ कर पाएँ। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, शॉप वगैरह खोलना या खुद कोई बिजनेस करना, जहाँ पे एक दो एम्प्लॉई रखे आप, जिसको आप मैनेज कोई हर कोई कर पाता है, बहुत बड़ा टीम ना बन जाए, उसको मैनेज करने में तकलीफ़ होगी इनकी। एक दो एम्प्लॉई रख के अगर कोई ये काम वगैरह शुरू कर सकते हैं उस तरह का, या फिर खुद कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें इनको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ना ही क्या किसी टीम को रन कराने में। ऊपर का माउंट का जगह इनको पाम में ज़्यादा मिली है, माउंट वगैरह इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ऊपर का माउंट का। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे चल रही है, अगर ऐसा पैटर्न बनाया ना तो समझिए कि मार्कड़ी माउंट आपकी डाउन है। ये देखिए, ये कोन अगर बनते हैं तो मार्कड़ी माउंट ज़रूर डाउन होगा, इनके मार्कड़ी माउंट डाउन है, और ये मार्कड़ी का रेमिड भी किया हुआ है इस फिंगर में। तो लेकिन मार्कड़ी माउंट डाउन है तो इनमें एनालिटिकल पावर थोड़ी कम होगी, एनालिसिस पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो भी थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल रहेगी इनके बिजनेस के वजह से। तो इनको ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत ना हो, जैसे कि किसी शॉप खोलना। मैंने इनको ये कहा कि आप शॉप ज़रूर खोल लिए, अगर हो सके उसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो शॉप खोलने जैसा बिजनेस इनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। माल आया, अपने माल बेच दिया, बस हो गया, आपका जो नफा नुकसान हुआ आपने देख लिया। सन माउंट इनकी मोटा मोटी है, बहुत ज़्यादा कुछ साइन वगैरह नहीं है यहाँ पे, एक हल्की सी खड़ी लाइन दिख रही है जो लेटर एज में जाके आफ्टर 50 इनको सक्सेस दिलाएगी, उससे पहले नहीं। सटन की फिंगर, सटन की माउंट ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए वैसी ही। यहाँ पे खड़ी लाइन है, और एक हल्की सी वेनस शुक्र का वलय है कटा हुआ आधा सा, ये थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेगी। और ये जो खड़ी लाइन दिख रही है सटन में, ये इनकी फिनंशियल बेनिफिट कराएगी ज़रूर। तो आगे चल के इनकी फिनंशियल बेनिफिट ज़रूर होगी, अभी इनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है ये फेटलाइन के वजह से, नहीं इनकी नहीं तो इनकी सिचुएशन ऐसी होती कि ये दूसरों का लिए इनके पैसे उधार मांगना पड़ता नहीं, जो ये लोन कर चुके। इनके ऐसे सिचुएशन बननी नहीं चाहिए थे, बस ये फेटलाइन की वजह से बना, नहीं तो इनकी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जहाँ पर इनको उधार करना पड़े। क्योंकि अगर मनी लाइन आपके पाम में हो तो जनरली ऐसे लोग दूसरों को पैसे देते हैं, ना ही दूसरे से ये पैसे लेते हैं। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है, हल्की सी ऐसी लाइन है एम्बिशन लाइन, तो इनमें एम्बिशन भी अच्छी खासी है। इनकी जो पॉजिटिव साइड है अभी उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, इनकी मार्स माउंट बहुत बढ़िया है, तो ये अगर फील्ड वर्क करे, ज़्यादा ट्रैवल के काम करे तो उनमें इनको सक्सेस मिलेगा। ऊपर से वीनस माउंट भी बहुत बढ़िया है, वीनस माउंट जनरली सॉफ्टवेयर का काम देती है, तो ये जो उसी तरह का काम काज करते हैं सॉफ्टवेयर का, लग्जरी आइटम का, मेडिसिन का, ये बहुत सारे काम होते हैं जो वीनस माउंट देते हैं, तो ये सारे काम ये ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में मार्स माउंट अच्छी खासी है। मून माउंट देखें, ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, चौड़ा है, देख रहे हैं हम ओवर लिए हुए हैं। तो दोनों मार्स माउंट और वीनस माउंट और मून माउंट बहुत ही पावरफुल है। ये चार माउंट अगर पावरफुल हो तो आपके लिए कौन कौन सा दरवाज़ा खुलता है करियर में, वो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मार्स माउंट में देखें तो आपके लिए रियल एस्टेट अच्छा बिजनेस है, मेडिसिन अच्छा बिजनेस है, ऑपरेशन से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी हुई अगर ऐसे कुछ बिजनेस करें वो अच्छा है। फील्ड वर्क जितना अच्छा करेंगे उतना, जितना ज़्यादा करेंगे उसमें सक्सेस उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर वीनस माउंट आपकी अच्छी हो तो वीनस माउंट में आप लग्जरी आइटम का, प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी सफ़ेद चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें मेडिसिन भी आती है, दूध भी आती है, मिल्क प्रोडक्ट भी आती है, सफ़ेद चीज़ कोई भी, लग्जरी आइटम कपड़ा हो, गारमेंट्स हो,
ये सारे आती है। मून माउंट आपकी पावरफुल है, मून माउंट से पानी से रिलेटेड बिजनेस आती है। फॉरेन कंपनी से आप बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, ये सारे काम आपके हो सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके पाम में हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके पाम में हैं। आप जो चाहे आप उससे में चुन सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अभी आपकी मेन लाइन देखें, माइंड हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ आ रही है, बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं गई, तो आप अपने हितों का करीब करीब रक्षा कर पाएंगे। थम भी ठीक ठाक है, मांसल है, और अपने हितों का आप ज़रूर रक्षा कर पाएंगे। और आप मतलब लोग आपके फ़ायदा लेके चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है आपके। तो ये अच्छी कंडीशन में है आपकी हार्ट लाइन। माइंड लाइन देखें, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और यहाँ करीब करीब यहीं पे आके ख़त्म हो रही है। तो ये माइंड लाइन दर्शाती है कि अगर आप किसी काम करेंगे, एक ही काम बहुत दिनों तक करेंगे, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम तक फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने में ही आपको सक्सेस होगी, नहीं तो आपको नहीं होगी। परमानेंट एक ही तरीके का काम करने में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। आप बहुत दिनों तक कर चुके हैं कॉल सेंटर के काम, अभी आपको कामकाज चेंज करना पड़ेगा, उस तरह का काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड लाइन छोटा है। और दूसरी, अगर छोटी माइंड लाइन हो तो इन लोगों के लिए बिज़नेस ही मेनली अच्छी प्रोफेशन होती है। तो बिज़नेस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेगा और बेहतरीन आपको रिजल्ट भी दे पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिली है। ऐसा है कि आपके ऊपर का माउंट का पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह तो ज़्यादा है, वो तो अपना काम करेगा, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। तो मेरे राय इनको यही था कि आप बिज़नेस कीजिए। अभी आपको बिज़नेस के बारे में सोचना है, ना कि जॉब। जब तक आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और आपके पास लोन वगैरह चुकाने के लिए आपके लिए आप कर्ज़दार है, तो आपको वो तो पैसे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उसी की वजह से आप जॉब कीजिए। लेकिन जब भी बिज़नेस का मौका मिले, बिज़नेस ज़रूर शुरू कीजिएगा, करिएगा, क्योंकि उसी में आपको सक्सेस आएगा, जॉब में नहीं आएगा। अभी इनकी जो हार्ट लाइन फेथ लाइन है, उसकी एक बार एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। करीब करीब 36 से ही इनकी वो खराब वक्त शुरू हो रही है, और ये जो ख़त्म हो रही है करीब करीब 40 में ही इनकी फेथ लाइन का जो ख़राब था वो ठीक हो रही है, और ऊपर से एक बहुत अच्छी फेथ लाइन निकल रही है। उसके साथ पैरेलल और एक 41-42 में और एक लाइन निकल रही है। ये बहुत बढ़िया कंडीशन रही है इनकी, और आगे चल के इनके बहुत सारे चेंजेस दिख रही है हमें, ओवरलैपिंग वगैरह है। तो आफ्टर 50 के बाद इनकी फेथ ये सन लाइन भी चल रही है। तो आफ्टर 50 पहले तो एक बार देख लेते हैं कि 40 के बाद इनकी ये जो कठिनाई भरी ज़िंदगी है ये बीत जाएगी, इनको फिनेंशियल सक्सेस मिलता रहेगा। उस टाइम पीरियड शायद ही इनकी बिज़नेस, इन्हों कह रहे थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है इनके पास दोस्तों से इनके पास, तो शायद वो इनको वो ले लेंगे और वो बिज़नेस वो करेंगे। मैंने भी कहा है हाँ करिए, क्योंकि आपके अच्छे टाइम तो आ ही रही है, 40 होने ही वाला है इनके, इस सितंबर में इनको 40 हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन ख़राब भी नहीं है आपके पास में, अच्छे टाइम आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैब कीजिए। तो ये 40 से इनकी फेथ लाइन सुधर रही है, 41 तो तब से इनकी फिनेंशियल कंडीशन में सुधार आती दिख रही है हम लोगों को। करीब करीब 41 के करीब एक नया फेथ लाइन और स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे पैरेलली ये दो काम कर सकते हैं। 41 के करीब और एक काम ये कर सकते हैं, उसमें भी इनके सक्सेस मिलेगी। करीब करीब 48 से लेके 50 तक इनकी लाइफ फेथ लाइन में ओवरलैपिंग दिख रही है, तो उस टाइम पीरियड में ये फिर से दोबारा जाके अपना काम चेंज कर सकते हैं, उसका भी इंडिकेशन दिख रही है हमें। तो ऐसी आपकी ज़िंदगी चलेगी, बहुत अच्छी है, ऊपर में जगह भी ऊपर मिली है, फेथ लाइन भी आगे चल के बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। तो 40 के करीब करीब आपकी और 2-4 महीने होगा आपके टफ टाइम, तो उसके बाद आपकी सक्सेस आपको मिलता रहेगा। ये पाम मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था, उसका एनालिसिस मैं आज कर रहा हूँ। पहले मैंने इनको ज़्यादा भरवली बोल दिया था, उसके बाद वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, मैं बिज़ी था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने कुछ इनको रेमेडी दिया था घर जाके करने के लिए, कि आपको अचानक से अच्छी आपको ये मतलब आपको एहसास आता रहेगा कि आप में कुछ चेंजेस आ रही है। उन्होंने किया और करके ही उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं एक ही दिन किया वो रेमेडी और मुझे एक ही दिन के बाद बहुत ही बेहतरीन लग रही है, मेरी नेगेटिविटी बहुत दूर हो गई है और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, और पॉजिटिव थिंक मतलब थिंकिंग भी मैं भी कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से काम करता है, अचानक से मतलब जो रेमेडी दिया था उनका मतलब
बेनिफिट भी मिला, और भी सारे रेमेडी दिया हूँ मैंने इनको, वो सारे सब कुछ करेंगे, इनके जो मतलब तकलीफ है वो तो ऐसे ही 40 ईयर्स से दूर होता दिख ही रहा था, लेकिन उससे भी मतलब ये जो रिज़ल्ट देने वाली ही थी 40 में, वो उससे ज़्यादा देगी। मतलब इस अगर वो कुछ नहीं करते तो शायद ये 100 रुपये कमाते, अगर रेमेडी के साथ करेंगे शायद ये 150 रुपये कमाए उस टाइम पीरियड में। इसलिए इनको मैंने रेमेडी कुछ खास दिया है, तो इनके बहुत सारा कर्ज है उसे जल्दी से ही उतार सके, ये सारे के लिए ही ये रेमेडी दिया हुआ हूँ, और ये बहुत जल्द वो अपना टफ़ टाइम जो है उससे भी उभर ज़रूर जाएंगे। इनके करीब करीब लाइफ लाइन में दिख रही है 43 और करीब करीब 45, दो डिसेंडिंग लाइन हम लोगों को दिख रही है। डिसेंडिंग लाइन अगर मिडिल पीरियड में लाइफ लाइन की हो तो वहाँ पे जनरली हेल्थ में या फिर करियर में थोड़ी बहुत इश्यूज आती है, तो इनका भी थोड़ी बहुत है, आएगी, अभी है नहीं, करीब करीब 43 और 45 के करीब इनकी थोड़ी बहुत हेल्थ या करियर से रिलेटेड इशू आने के चांसेस है, लेकिन करियर लाइन हम लोगों को फेथलाइन अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है 43 के करीब। तो ये जो इंडिकेशन है ये शायद इनकी हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम दिला जाए उस टाइम पीरियड में, तो इनको हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल रखना है उस टाइम पीरियड में, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनकी पाम अच्छी है, बहुत ही अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ही एकदम ख़राब भी नहीं है। ऊपर का माउंट का इतना ज़्यादा जगह मिलना, नीचे के माउंट को इतना ज़्यादा पावरफुल होना, जिस तरह से काम किया है मैंने बोला उस तरह का अगर बिजनेस इनको मिल जाए और ये शुरू करे तो इनको 40 से ही सक्सेस मिलता रहेगा। करीब करीब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4-5 महीने की ही बात है, तो हम लोग आप लोगों को अपडेट भी देता रहूँगा इस पाम के लिए। मैंने भी उनको कहा है कि आप अपडेट ज़रूर दीजिएगा। जनरली ना आप लोग अपडेट नहीं देते हैं, जिन लोगों का सक्सेस हुआ है मैं नाम तो बोल सकता हूँ, 2-3 लोग ऐसे ही हैं मेरे यहाँ पे, एक साउथ से है, एक मुंबई से है, जो मतलब उन लोगों का टफ टाइम इतना ख़राब था कि हर वक्त फ़ोन करके आप लोग सुन ज़रूर रहे होंगे, तो आप लोगों का जब ख़राब टाइम था मैंने हौसला दिलाता रहा और कहता रहा हाँ अभी आपके टाइम ठीक हो रही है, हो जाएगी, कुछ रेमेडी भी दिया आप लोगों को, अचानक से आपको बेनिफिट भी मिला, एक को जॉब मिला, एक को नया बिज़नेस शुरू हो गया। मैंने आप लोगों से बस इतना ही कहा था, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा था, मैंने आप लोगों को बस इतना ही कहा था कि आप लोग थोड़ा व्हाट्सएप में मुझे वो मैसेज लिख के दे दीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा वो अपने दर्शकों के साथ जो आप मेरे पाम देखते हैं, एनालिसिस हर रोज़ देखते हैं, तो उनके साथ मैं शेयर करूँ तो देख पाएंगे। लेकिन आप लोगों के काम होते ही आप लोग जैसे गुम हो गए, और इसी वजह से मैं कहता हूँ मतलब ख़राब लगता है। ऐसा नहीं कि मैं उसके विनिमय में आपके से कुछ रिटर्न में मांगूंगा, बस यही कि आप लोगों से एक लाइन ही लिख देने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने उतना भी नहीं किया। ठीक है, ऐसा होता रहता है ज़िंदगी में, मैं तो अपना काम करता रहूँगा और मेरी वजह से हर वक्त हर लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा। शायद ये भी ना कह रहे करे बाद में, अभी तो इन्होंने बोल के गया है कि हाँ ज़रूर अपडेट दूंगा, शायद ना दे, अगर देंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए पोस्ट ज़रूर करूंगा। बहुत सारे लोग देते भी हैं अपडेट अपना, मैं उन लोगों का पोस्ट करता हूं, और जो नहीं देते हैं उनका तो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा जो ये है करीब करीब ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने में इनकी हालत ठीक हो जाएगी, और बहुत जल्द ये अपने कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और इनकी ज़िंदगी आगे अच्छी तरह से बढ़ भी पाएगी। तो मेरे चैनल देखने के लिए शुक्रिया, एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।